हे फैमिली, वेलकम टू द चैनल। तो भाई लोग, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना तैयार हूँ यार, कैसे खड़ा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कुछ स्पेशल है जो आज मैं इतना तैयार हूँ, वरना मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में कहीं भी निकल जाता हूँ, ब्लॉग बनाना होता है अपना, बना बना लेता हूँ। तो हाँ, मेरी लाइफ में आज बहुत ही कुछ स्पेशल है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, साइड में लगा भी दूंगा कि तुम्हारे भाई को मिली है रोड माइक्रोफोन ने एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया है, ब्लॉगर्स मीटअप, कनॉट प्लेस द पार्क होटल में। तो वहाँ पर तुम्हारे भाई, वहाँ के लिए तुम्हारे भाई को इनविटेशन आया है, तो उसी के लिए मैं इतना तैयार वैयार हुआ हूँ और अब निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी टाइम हुआ है 12:30 और 2 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, 2 से 5:30 तक का इवेंट है। तो चलते हैं, अभी हमें जाना है मेट्रो से, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाता हूँ रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर मिलते हैं आगे। अभी अभी मैं उतरा था राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से हमने देखा मैप पे तो वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं था है, तो इसलिए मैंने ले लिया ऑटो। और अब पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और दिखाते हैं वहाँ क्या तैयारी चल रही है। 2:30 बजे इवेंट शुरू होना है, तो देखते हैं कौन आया अभी कौन नहीं आया। तो ये अपना हॉल है और एंट्रेंस पे ही कंपनी ने कुछ अपने रोड के प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, जैसे अपने कंडेंसर माइक्स हैं, म्यूजिक पैड्स हैं, और व्लॉगिंग किट वगैरह हो गई, और अपने TRS माइक होते हैं जो वो हो गए, रिपोर्टर माइक है, स्पीकर है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी नए लॉन्च करें कंपनी ने, जिसके बारे में आज कंपनी हमें बताएगी भी सेशन में। तो ऐसा कुछ है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। कुछ फूजी कैम के कैमराज भी रखे हुए हैं मोनोपॉड पर लगाकर। ये अपनी व्लॉगिंग किट है जैसे आप देख रहे हैं, और आगे चलते हैं धीरे धीरे। जैसे ये एक होल्डिंग लगा हुआ है फूजी कैम की तरफ से, और ये ट्राईपॉड्स पर हैं फूजी कैम विद रोड माइक, इनका भी सही प्रमोशन चल रहा है यहाँ पर। और इसको आप देख सकते हैं, हर मॉडल का यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है फूजी कैम। जोश, राइट?
सो वन लास्ट टाइम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बड़ी बात है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दो, बट जस्ट टू आस्क, फॉर हाउ मेनी पीपल दिस वुड बी द फर्स्ट इवेंट आफ्टर कोविड? वाओ, मिस्टर अमिताभ भैया, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टर कुणाल मनोज। Applause for these two gentlemen, without whom this event would have been possible in two states. Thank you. Okay, now let me give you an idea about what to take from this event, right? This is our humble attempt to have all the bloggers, YouTubers, content creators under one roof, which gives you an opportunity to interact with each other, collaborate with each other. I mean, come to think of it, when was the last time you guys actually were in one building, right? So this is one, that opportunity. Second, it's also an opportunity for us, wherein we get to interact with you, get to know you better, you know, that helps eventually. And also an opportunity to for all of us to listen to some stories. We will have some few keynote speakers who would come here, who would share their experiences, their challenges, you know, they faced in their journey. So all of this is going to happen today, right? And you are the part and parcel of it. Thank you so much. And without any further ado, I'll call upon my first speaker. Before I do that, right, there's an important thing that we all need to, there is something very important for all of us. We have a lucky draw, okay? So it's a no-brainer. We have three chits, three winners, and the most important part is the winner needs to be here till the end of the session. Right? Swagat ki Jamitab Dayal ji ka. Namaskar, Delhi ke pyare vasiyo. Aap sabon ko hardik abhinandan. Aur main Jamitab Dayal, main actor hoon, filmmaker hoon. मैंने हिंदी फिल्में बनाई हैं, मराठी फिल्में बनाई हैं, दूरदर्शन के कुछ 2,500 एपिसोड्स प्रोड्यूस किए हैं। अब डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फिल्में बनाता हूँ, आर्ट फिल्में बनाता हूँ, फोटोग्राफी मेरा पैशन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ जाकर मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर एक फिल्म बनाई है, वाइल्ड लाइफ पर एक फिल्म बनाई है, छत्तीसगढ़ अचानक मार टाइगर रिजर्व में मैं 15 दिन था, वहाँ पर मैंने फिल्में बनाई। ये मेरी फिल्म आ रही है जो पॉल्यूशन पर्यावरण पर है, जो अगले साल रिलीज होगी, कॉल्ड धुआं, राजपुर पद्मिनी गोलापुरी गति अभिनोत्री, ये सब हैं। वेल, मेरी शुरुआत हुई मुंबई में 1993 में, और 93 से मैंने स्ट्रगल किया 11 साल बाद मेरी पहली फिल्म आई कगार। कगार में मैं नंदिता दास के अपोजिट था, ओमपुरी साहब थे मेरे साथ, और मैं उसमें मेन लीड मैंने निभाया। दयाना नायक जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं मुंबई में, जिन्होंने 80 लोगों को मारा है, मैं उनके साथ रहता था और मैं उनसे उनकी स्टाइल कॉपी करता था। तो कभी कभी वो फोन करते थे, बोलते थे रात को, हमें कहा क्या कर लो, मैंने कहा यार स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो कहते हैं कि, मैं बोला आप क्या कर रहे, बोले बस अभी वेट ही कर रहा हूँ, जैसे बाहर निकलेगा ना तो उसको टप कर दूंगा। मतलब जो कगार वॉज बेस्ड ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ अ कॉप, जहां मैं बोलता हूं कि अपनी पत्नी को बोलता हूं, पत्नी बोलती कि तो पेपर में आपके नाम हम आते हैं और आप फेमस हैं, तो मैं पत्नी को कहता हूं कि हम पुलिस वाले हैं, पेपर में नाम आने से घर का साइज बड़ा नहीं हो जाता। सो अब चेंज हो गई सिचुएशन, अब यूट्यूब और सोशल मीडिया में नाम आने से आप लोग का नाम बड़ा होता है, और मैं इतनी प्रसन्नता है मुझे कि आज सुबह का भी सेशन जो हुआ उसमें भी मुझे बड़ा मजा आया है।
दो साल से तो घर में हम सब कैद थे, तो जितने एक्टर लोग होते थे, मतलब मैं भी एक्टर ही ना, जो हम लोग ब्लॉगर्स होते हैं या जो हम लोग जो जो भी कैमरे के सामने आते हैं तो झिझक जाते हैं, तो वो ना हो। क्या हुआ कि मैं कुछ 24-25 साल का था, मुंबई में आए हुए मुझे डेढ़ दो साल हुए थे, मैं स्ट्रगल करता था, यामा थी मेरे पास और पेइंग गेस्ट रहता था, पापा 2-2.5 हजार रुपये भेजते थे, पापा मेरे ज्वेलर्जी एंड माइनिंग में क्लास वन ऑफिसर थे, तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते थे मेरे पास, पर 2-3 हजार रुपये उस समय महीने के मुझे मिल जाते थे। सो हम ताज जाते थे दोस्त और वहां जाके हम कॉफी पीते थे, क्योंकि हम वहां इसलिए जाते थे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आया और मुझे स्टार्स देखने का बड़ा शौक रहता था कि यार ऐसे ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, धर्म जी को देख लिया, विनोद खन्ना को देख लिया, क्या लग रहे हैं। सो ताज जब हम गए तो वहां एक बड़ा बढ़िया एक हादसा ही बोला जाए या किस्मत की बात बोली है, वहां अमित जी निकल के आ रहे थे और मैं छोटा था एकदम पतला दुबला था एकदम, और मैं पहुंच गया उनके सामने और मैंने उनको अमित जी को सबसे पहले बोला रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमिताभ तिवारी। अमित जी मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखे और वो शॉल पकड़े हुए थे सर, और उनकी एक स्माइल की एक कौन सा बच्चा है और मैंने कहा अमित जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे। अमित जी ने कहा तो घर आ जाना, मैंने कहा सर घर आ जाना, अमिताभ बच्चन आपके घर के अंदर कौन घुसने लगा मुझे, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं नंबर लिखो, और उन्होंने नंबर दिया मुझे, और उस दिन से मैं अमित जी के हर होली में इनवाइटेड गेस्ट रहता था, उनके बर्थडे में जाता था और उनके उसके बाद उनके साथ एक ऐसे मधुर संबंध बन गए थे कि अमित जी को मैं कुछ भी बोल देता। तो इस तरीके से मेरे उनसे संबंध रहे, फिर उसके बाद मौका मिला अमित जी के साथ विरुद्ध में काम करने का, विरुद्ध में आई प्ले द मेन नेगेटिव जहां जॉन अब्राहम संजय दत्त वगैरह वगैरह और सब लोग थे, मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और विरुद्ध इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनी थी, तो अमित जी के साथ मुझे काम करने का मौका करीब करीब 12-15 दिन का था, तो इंग्लिश में भी डायलॉग होते थे हिंदी में भी थे, फिर वहां भी मैंने अमित जी को बोला, मैं बोला सर बहुत बहुत घबराहट हो रही है, अरे बोले तुम नाटक करते हो चलो इतने बढ़िया एक्टर हो करो, ठीक है बस अभी उन्होंने ऐसा बोल दिया था, मैंने भी परफॉर्मेंस दे दी। आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने वो वाला कैरेक्टर किया था जहां मैं जॉन अब्राहम को गोली मारता हूं और अमित जी आखिरी में आकर मुझे गोली मारते हैं। सो ये तो मेरी फिल्मों की बात रही, एक फिल्म और अभी आ रही है और उसके साथ साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरी फिल्में दिखेंगी, मैं ईश्वर की दया से थोड़ा सा गुनगुना भी लेता हूँ, तो म्यूजिक वीडियोज आ रहे हैं मेरे, डायरेक्ट करता हूँ, ये सब तो बात रही मेरी काम की। स्ट्रगल की बात आती है जहां तक कि हमें लगता है यार हमारा छोटा सा चैनल है, हमें लगता है यार अभी ब्लॉगिंग से शुरुआत कर रहे हैं, सो भाई सपने देखना बहुत जरूरी है, मैं सपने देखता था और सपनों के पीछे पीछे बंबई आ गया और सपने यहां जितने लोग बैठे हैं ना मुझे उनकी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही और थैंक यू वेरी मच टू मिस्टर इनायत खान रोड ट्राइमैक फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस सच अ ब्यूटीफुल इवेंट इट इज बिकॉज माय लाइफ इज वेरी क्रिएटिव एंड आई लव टू मीट क्रिएटिव पीपल और यहां जितने लोग हैं ना वो सबके सपने हैं वो सब चाहते हैं फेम नेम एंड सक्सेस ये फेम इतनी बढ़िया चीज है ना कि मतलब इसके साथ आप भूखे पैसे भी रहे ना तो वो ये फेम के नाम पे आदमी चला जाता है आगे चलता जाता है। मैंने एक जो वीडियो बनाया है चलते रहो चलना तो पड़ता ही है आपसे कोई भी कुछ भी पूछे कैसा चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है मस्त चल रहा है बिकॉज यू हैव टू बी सो पैशनेट अबाउट योर वर्क ओनली पैशन कैन मेक यू सर्वाइव पैसा बहुत जरूरी है बट पैशन के साथ पैसा आता है एंड वेन यू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट इज वॉट आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ मैं लिखता हूं मैं फोटोग्राफी पहले पैशन से शुरू की थी मैंने फिर मैंने उसको अपने प्रोफेशनल करियर में जोड़ दिया अब मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया वहां मुझे कैमरा मैन नहीं मिला मैंने खुद कर लिया और सर आपसे सीखना है मुझे बहुत कमाल का काम है सर और इस उम्र में भी जिस तरीके से आप सिखाते हैं ना मजा आ जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर सर सो ऐसे लोग हैं आप लोग जो इंस्पायर करते हैं सर और एक्टर्स जो होते हैं हम लोग बड़े संवेदनशील होते हैं हम लोग जितने कलाकार हैं आप लोग जितने हैं कुछ राइटर होंगे कुछ कैमरामैन होंगे यहां पर कुछ लोग होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं
ये हम जितने लोग बैठे ना, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग हैं, हम लोग इसलिए इंसान कहलाते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एनिमल्स. एंड सबसे बढ़िया बात है, यू आर द वॉरियर्स, क्योंकि कोविड से बच के निकले भैया. पहली बात, कोविड से बच के निकले हैं, और इसमें से हर आदमी जो है एक एक साल अपने घर में बंद बैठा था. क्या हालत थी, मतलब दिल्ली के आपकी, जब मैंने माइग्रेंट्स वर्कर्स पे भी मैंने कुछ कोविड के समय मैंने काम किया था सर, आप देखिएगा. तो मेरे घर के सामने जो है वो पुलिस का एक मैदान होता था, जहां पर हर रोज कम से कम 10,000 लोग जमा होते थे, और हर आदमी के जहन में रहता था घर कैसे पहुंचे. तो सबसे पहले तो कोविड ने हमको ये दे दिया कि घर की वैल्यू पता चल गई भाई. और आप लोग अपने अपने घरों में रह के आप लोग इतने ज्यादा क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ी. सो द थिंग इज, वी आर ऑल वॉरियर्स हियर. और अब